हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मम्माज किचन ऑलवेज ओपन। आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही हेल्दी टेस्टी ब्रेकफास्ट रेसिपी शेयर करूंगी, जो कि है ओट्स का चीला। ओट्स का चीला बनाने के लिए जो मेन इंग्रेडिएंट्स हैं वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। ये मैंने यहाँ पे लिए हैं ओट्स, ये प्लेन ओट्स है गाइज। मैं हमेशा प्लेन ओट्स प्रीफर करती हूँ क्योंकि हम इससे बहुत सारी रेसिपीज में यूज़ कर सकते हैं इसको। ये मैंने 2 टेबलस्पून ओट्स लिया है और ये बेसन है, 1 टेबलस्पून बेसन है। आप इसका 1:2 का रेशियो रखिए जब भी ओट्स का चीला बनाएं। कुछ मैंने वेजिटेबल्स ली हैं जिनको मैंने चॉप करके रख लिया है। स्मॉल साइज़ का कैप्सिकम है, स्मॉल साइज़ टमाटो है और स्मॉल साइज़ ही ऑनियन है। आप अगर इसमें कैरेट या लौकी भी डालना चाहें तो डाल सकते हैं ग्रेट करके। ये 2 स्मॉल साइज़ की ग्रीन चिलीज है और गार्लिक है, 2 छोटी क्लोव्स। आइए स्टार्ट करते हैं बेसन का और ओट्स का चीला। ओट्स का चीला बनाने के लिए हमें ओट्स और बेसन को करीब करीब 7 से 8 मिनट के लिए भिगो के रखना होगा। ये फ्रेंड्स, मैंने पहले से ही इसको भिगो के रख लिया है। ये मैंने भिगो के रख लिया है गाइस, ये देखिए भिगोने के बाद थोड़ा सा थिक हो गया ये। इसकी कंसिस्टेंसी हमें थोड़ी सी और हमें इसको पतला करना है, तो मैं इसमें 2 से 3 टेबलस्पून और पानी डाल देती हूँ। ये इसको हम मिक्स कर लेंगे अच्छे से, थोड़ा सा टाइट हैंड से हमें इसको प्रेस करते हुए मिक्स करना है क्योंकि ओट्स थोड़ा दरदरा होता है और हमें इसे एक अच्छे डो की शेप में लेके आना है। तो देखिए गाइस, ये अच्छे से मैं इसको मिक्स कर रही हूँ। थोड़ा सा पानी इसमें और रिक्वायर्ड है, सो वी विल ऐड सम मोर वाटर। ये देखिए फ्रेंड्स, इसकी कंसिस्टेंसी हमें इस टाइप की चाहिए होगी। ओट्स में बेसन को ऐड करना बहुत ही मैंडेटरी है क्योंकि वो ओट्स को बाइंड करता है। नाउ वी विल ऐड ऑल द वेजिटेबल्स जो हमने यहाँ पे कट करके रखी हुई हैं। मैं टमाटो ऐड कर देती हूँ, ये ऑनियन है और ये कैप्सिकम, गार्लिक, ग्रीन चिलीज। ये मुझे थोड़ा सा ज़्यादा लगा इसलिए मैंने बचा लिया है। वेजिटेबल्स को अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे। ज़्यादा मसाले हम इसमें नहीं डालेंगे, इसमें हमें सिर्फ मेन मसाले चाहिए। थोड़ा सा मैंने इसमें कोरिएंडर पाउडर, रेड चिली पाउडर एंड थोड़ी सी हमने इसमें हल्दी डाल दी है और सॉल्ट, जिसके बिना कि हमारा खाना कभी बनता नहीं है, ये थोड़ा सा मैंने इसमें सॉल्ट ऐड किया है। अब इसको हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। ये बैटर रेडी हो गया है चीला बनाने के लिए। अब हम गैस ऑन करके, पैन मैंने रख दिया है गैस पे हीट होने के लिए। इसमें हम ऐड करेंगे फ्यू ड्रॉप्स ऑफ देसी घी। ये हेल्दी ब्रेकफास्ट है इसलिए हम इसमें देसी घी यूज़ कर रहे हैं। अगर आप चाहें तो कोई भी ऑयल यूज़ कर सकते हैं। पैन हीट हो गया गाइस, अब बैटर इसमें मैं डालती हूँ चीला बनाने के लिए। चीला का साइज, थिकनेस आपको जितना रखना है आप उसके अकॉर्डिंग इसमें बैटर डाल सकते हैं। बैटर डालने के बाद हम इसे मीडियम फ्लेम पे करीब करीब 2 मिनट के लिए पकाएंगे और 2 मिनट के बाद हम इसको दूसरी साइड से पकाएंगे। अभी 2 मिनट में गाइस ये एक साइड से तैयार हो जाएगा। आप देख सकेंगे कि ऊपर से इसका कलर चेंज हो जाएगा, तो इसकी एक लेयर रेडी हो जाएगी। फ्रेंड्स आप देखिए, अब एक साइड से कुक होके तैयार हो गया है, ऊपर से भी पूरा कलर चेंज इसका हो गया है। अब हम इसको दूसरी तरफ से सेकेंगे। उससे पहले मैं इसमें कुछ ड्रॉप्स
घी की और ऐड कर देती हूँ। और अब हम इसको चेंज कर देंगे इसकी साइड को। ये देखिए फ्रेंड्स, इसका कितना अच्छा कलर आया, एकदम ब्राउन। आप दूसरी साइड से भी हम करीब करीब 2 मिनट के लिए इसको सेक लेंगे। देखिए फ्रेंड, अब इस ये दूसरी तरफ से भी पक्के पूरा रेडी हो चुका है। कितना अच्छा ब्राउनिश कलर आया इसका। अब हम इसे हटा लेंगे स्पैटुला की हेल्प से। इसी तरह से फ्रेंड हम बाकी के चीले भी तैयार कर लेते हैं। ध्यान रखिए कि चीला आप मीडियम फ्लेम पे ही कुक करें। अगर आप हाई फ्लेम पे कुक करेंगे तो वो ऊपर से आपको ब्राउन नजर आएगा लेकिन अंदर से कच्चा रह जाएगा, इसलिए आप इसे मीडियम फ्लेम पे ही कुक कीजिए। अब इसे भी हम पहले चीले की तरह 2 से 3 मिनट एक साइड से कुक करेंगे, फिर दूसरी साइड से। फ्रेंड्स देखिए, अब ये दूसरा चीला भी हमारा कुक होके तैयार हो गया। अब हम इसे सर्व करेंगे। अब हम इसे गार्निश कर देते हैं सर्व करके। सर्विंग के लिए आपको मैंने बताया था कि कोई भी फूड जो है प्रेजेंटेबल जरूर होना चाहिए। इसे हम गार्निश करेंगे हनी के साथ और सर्व करेंगे इसे हम कर्ड के साथ। सो फ्रेंड्स, प्लीज़ एंजॉय दिस और शेयर ज़रूर कीजिएगा कि आपको ये हेल्दी टेस्टी ब्रेकफास्ट कैसा लगा। थैंक यू।